एक मित्र ने लिखा है, गुरुदेव मैं आपको सुनता हूँ और जीवन सहज होता जा रहा है। पहले बहुत चिंता में रहता था, अब मन काफ़ी शांत है। पूछना चाहता हूँ कि अगर सभी प्रयास करने के बाद भी हेल्थ ठीक ना हो तो आध्यात्मिक शक्ति से कैसे ठीक कर सकते हैं, और हम जैसा जीवन चाहते हैं उस जीवन को कैसे हासिल करें। मैंने आपके प्रवचनों में सुना कि शुभ प्रयास करने के बाद नेचर पर छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसा करने से हमें जो जीवन हमने सोचा था वैसा जीवन मिलेगा, या कुछ अस्तित्व की भी मर्जी होती है कि वो हमें कैसा जीवन देना चाहता है? पहली बात, स्वस्थ होना अस्वस्थ होना ये घटनाक्रम है। स्वस्थ होने के जितने प्रयास तुम कर सकते हो उतने प्रयास करो, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नॉर्म है उनको फॉलो करो, और फिर तुम्हारे शरीर की जो अवस्था वर्तमान में हो उसका पूरा का पूरा स्वीकार करो, अपने शरीर का ख्याल करो, अपने आप से प्रेम करो। स्वास्थ्य की जितनी मात्रा तुम्हारे लिए घटनी होगी उतनी घटेगी। शरीर स्वस्थ होते हैं और अस्वस्थ होते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। परिपूर्ण स्वास्थ्य कभी आता है कभी नहीं आता। इसमें सामान्य मनुष्य हो या बड़े बड़े संत हों, सब एक साथ एक जैसे ही इसमें शामिल हैं, क्योंकि अस्तित्व में कोई भेदभाव नहीं है। तुम अस्तित्व से स्वास्थ्य हासिल करना चाहते हो ये भावना ठीक है, लेकिन वो मिलेगा ही ऐसा मत सोचो। तुमसे जितने संभव प्रयास है उनको करो और फिर छोड़ दो। छोड़ दो, जब मैं कहता हूँ अस्तित्व के ऊपर, नेचर के ऊपर छोड़ दो, तो इसका अर्थ इतना है और बिल्कुल साफ स्पष्ट अर्थ है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम तो किसी के हाथ में नहीं है। गीता में भी जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो वो कहने का उनका अंदाज है, वो जो बात कह रहे हैं वो इतनी स्पष्ट है कि तुम अपने माध्यम से अपने कर्मों को ही होने दे सकते हो, यानी कि उन क्रियाओं को जो तुम्हारे माध्यम से घट रही हैं। इनका फल क्या आएगा चिंता करो या ना करो का विषय नहीं है, तुम्हारे हाथ में वो है ही नहीं। उनका परिणाम तो पूरे अस्तित्व पर निर्भर करता है। कभी जैसा तुमने सोचा था वैसा ही परिणाम आएगा, कभी जैसा तुमने नहीं सोचा था वैसा परिणाम आएगा, कभी जैसा तुमने सोचा था उससे अच्छा परिणाम आएगा, और कभी तुमने जैसा बुरा सोचा था उससे भी बुरा परिणाम आएगा। यहाँ कुछ भी घट सकता है, क्योंकि जब परिणाम घटते हैं तो उनमें समग्रता शामिल होती है, उनमें टोटलिटी शामिल होती है, पूरा अस्तित्व शामिल होता है। इसीलिए जब कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता मत करो, तो उनका आशय यही था कि तुम चिंता कर ही नहीं सकते, क्योंकि फल तो अपनी तरह से घटेंगे। हाँ, तुम्हारे माध्यम से जो क्रियाएं घटी हैं उनका जो उसमें हिस्सा है, जो उनकी प्रक्रिया उसमें शामिल हो गई है, वो तो रहेगी, क्योंकि उसने ट्रैक बनाया होगा, उसने रास्ता बनाया होगा, उसने एक खिड़की खोली होगी, उसी खिड़की से, उसी ट्रैक से, उसी रास्ते से वो परिणाम तुम तक आएंगे, वो फल तुम तक पहुँचेंगे। लेकिन वो कैसे और किस रूप में पहुँचेंगे ये बिल्कुल भी तय नहीं किया जा सकता। तो तुम आश्वस्त हो सकते हो इस बात पर कि अस्तित्व तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हारा ख्याल रखता है का तात्पर्य है वो सभी का ख्याल रखता है, और जो होगा वो तुम्हारे इस विकास की यात्रा के लिए शुभ होगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो ये आवश्यक नहीं, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा। इसलिए उसकी चाह में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए रखना, उसके प्रति लगातार चिंतित बने रहना, ये अनावश्यक है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम शांत रहो, अपनी क्रियाओं को घटने दो, अस्तित्व पर भरोसा रखो। यही एक साधक का गुण है, और देखा जाए यही एक भक्त का भी गुण है कि वो भरोसा करता है परमात्मा में,
परमात्मा कहो या अस्तित्व कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, सोर्स कहो, कुछ भी कहो, स्रोत कहो, एक ही बात है। भक्त का ढंग है कि वो पूरी आस्था में जीता है कि उसका ख्याल रखा जाएगा। ध्यानी जो है उसको ये समझ है, वो इस समझ से अपने को तैयार कर चुका है कि क्रियाओं को घटने देना तो संभव है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। उसमें पूरा अस्तित्व शामिल होगा लेकिन जो होगा वो तुम्हारे विकास के लिए शुभ होगा, इतना तुम आश्वस्त हो सकते हो।